ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे। ये शुरू करते हैं धोबी घाट। अब हम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट टाइम मम्मी के साथ ही आएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो मैं वापस आ गई हूँ अब शिमला से अपने ससुराल, और मैं आज बस में आई थी सुबह सुबह, और अभी यहाँ पे आए हैं मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए। टा तो चलो चलते हैं अब घर की ओर। क्या देख रहे हो? वीडियो ऐसी। हाय, सामान डाल दो पीछे। चलो रुको, सुई कर लूं। सुई सुई गाड़ी में बाहर करनी थी। अच्छा तो कर तो लेना। हाय, मैं तो थक गई। इस शिमला में इतनी ठंड थी ना, इतनी ठंड थी ना कि जब से मैं घर गई थी तब से लेके ना वहाँ पे बारिश ही चली हुई थी, और इतनी ठंड लग रही थी ना शिमला में, क्या यहाँ पे भी बहुत ठंड थी। अभी तक ना जैकेट स्वेटर्स वगैरह भी नहीं उतारे लोगों ने, इतनी ठंड है। और अप्रैल स्टार्ट हो गया, लगता ही नहीं कि अप्रैल का महीना है। आज बड़ी मुश्किलों से धूप निकली है, कई दिनों बाद। मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह मन नहीं था खाने का इसलिए खाया नहीं, और अभी भूख से बुरे हाल हो चुके हैं। टेस्टी है, और है कुछ टेस्टी? आलू न्यूट्री में नहीं है, सोया बीट क्या बोलते हैं, सोया चंक्स बोलते हैं। क्या नहीं, तुम घर के कपड़ों में आए हो मुझे लेने, शर्म नहीं है? थोड़े तैयार व्यार हो क्या? तो क्या द न्यूज़ रेड पे आए साइर अनुष्का, शादी की शेरवानी पहनता? नहीं, फिर भी थोड़ा नया ले आ दिया एक बार शेरवानी में। क्या बार बार शेरवानी पहनते रहना? हर बार जब भी लाओ तो मैं शेरवानी पहनू? यार थोड़ा नए कपड़े बोले मैंने। नहीं है बढ़िया। नहा गए तुम? दसरी होगी, कुछ बाल होंगे इसमें। नहा गए? नहीं। <The boys>. और बस पहुंचने वाले हैं, एक मिनट में। हरा हो गया इधर तो सब कुछ, एक दो दिन में क्या गई मैं। तब क्या सुखा रहे ना? आ गई। रियो 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 लिखो ने रियो, जल्दी आ जल्दी आ। रियो कहाँ था तू? नहीं एक कौन नहीं आई हूँ। चलना मेरे को तक से मतलब नहीं, खाने को तो जल्दी। क्या दुकान चला गया कि ये तो कुछ नहीं लाती। तो गाइस घर पहुंच चुकी हूँ, बस अभी खाना खाया है। इतनी भूख लग रही थी ना कि वेट ही नहीं हो रहा था, तो बस खाना खाया, और अब सब थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। और देखो मौसम, अभी इतनी अच्छी धूप लगी थी ना, अब देखो बादल देखो कैसे आने लग गए। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश भी हो सकती है, कभी भी धूप लग जाती है, आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा मौसम का। तो चलो फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। The next morning. कई दिनों के बाद आज धूप निकली है फाइनली, और मैंने बहुत सारा काम इकट्ठा करके रखा था कि जब धूप निकलेगी तब ये करूँगी, जब धूप निकलेगी तब ये करूँगी। तो
मैंने क्या मम्मी पापा जी ने भी मतलब बहुत सारा काम इकट्ठा करके रखा था जिस दिन डूबने के लिए क्या क्या करना है। जब मैं घर से आई तो वो भी कपड़े धोने को थे मुझे, और मौसम साफ ही नहीं हो रहा था, ज्यादा बारिश हो रही थी इतने दिनों से, प्लस स्प्रे करने को थी। आज पापा जी सबसे पहले, मम्मी और पापा जी ना आज स्प्रे करने निकले कि आज धूप निकली है फटाफट से स्प्रे कर लेते हैं। ये जा रहे हैं यहाँ पे मम्मी और पापा जी स्प्रे करने। रियो चीं चीं कर रहा है, इसके पास और कुछ काम नहीं होता, और मैं जा रही हूँ अपने काम से। यार मेरा मन तो ना इतना है ना कि पहले धूप सेक लूँ बैठ के, बट मेरे पास ना बहुत सारा काम है और मुझे कपड़े धोने बहुत ज़रूरी है ताकि वो सूख भी जाए। मौसम का कोई भरोसा नहीं होता कि क्या पता क्या हो, और इसलिए मैं सोचती थी कि पहले कपड़े धो लेती हूँ जितने भी है, फिर धूप भी सेकेंगे, फिर आराम से बैठेंगे। और वो आजकल ट्रेंड नहीं है चला वैसे यूं कुछ चला है ना, तो ऐसे ऐसे करके बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है? ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे शुरू करते हैं धोबी घाट, और ये सारे काम मुझे करने के लिए है, तो अब धीरे धीरे इनको करती हूँ, फिर आप लोगों से भी मिलती हूँ। तो गाइस मेरा काम हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या हुआ है। बैठते हैं धूप में थोड़ी देर, विटामिन डी ले लेते हैं। यहाँ से गिल्ली गिल्ली भी हो गई ना, मैं आ गया किसी यहाँ यहाँ से। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 3:30, और घास ख़त्म हो गया था गाय का, क्योंकि 2-3 दिन बारिश रही ना तो हमने लाया नहीं था नीचे से, तो अभी लेके आते हैं। और मेरी कोटी में ना बहुत घास घास चिपक जाता है, इसलिए मैंने उसके ऊपर से ये जिपर सा पहना है, इसमें नहीं चिपकता। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं तैयार हो जाऊं और रियो तैयार ना हो मेरे साथ, तो ये रहा रियो। और जब मैं ना ये शूज़ पहनती हूँ ना खेत जाने वाली, जब मैं ये शूज़ पहनती हूँ ना, तो रियो को ना पता चल जाता है कि ये कहीं जा रही है। मतलब जैसे ये शूज़ निकाले, या मम्मी वाले, मम्मी ने निकाले या इसने निकाले, तो रियो ना एकदम अलर्ट हो जाता है कि मैं भी चल। मम्मी और पापा जी यहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं, और मैं आई हूँ घास को, मैं वहाँ से घास ले जाऊँगी। तो दोस्तों ये देखो, ये ना बांध के पेड़ में लगे होते हैं, ये जब हम छोटे छोटे होते थे तो हम इससे खेलते थे, ऐसे घर घर खेलते थे हम ऐसे, कि ये चाय के लिए, खाने के लिए इसमें खाना देते थे, थोड़ा थोड़ा पानी, लीजिए पानी लीजिए, लीजिए चाय लीजिए, कटोरे बनाते थे इनके, पूरा थाली कप सब कुछ बनाते थे। बड़े बड़े भी होते थे, छोटे छोटे भी होते थे, बस इनसे घर घर खेलते रहते थे। घास जो था ना थोड़ा थोड़ा गीला था बीच बीच से, इसलिए मैंने बिखेर के रख दिया यहाँ पे। तो मैं जा रही हूँ अभी बगीचे को। मम्मी ना एक्चुअली थोड़ा थक गए थे, क्योंकि मम्मी और पापा जी ने आज स्प्रे की है, इसलिए मैं अकेले जा रही हूँ। और मम्मी ने मुझे बोला कि देख के भी आई हो परे वाले बगीचे में ना, हमने सेब में स्प्रे कर दी थी, तो देख के आई होगी वहाँ पे ज़रूरत तो नहीं। और वैसे मुझे पता तो नहीं चलता कि ज़रूरत है कि नहीं है उसमें स्प्रे करने की, पर मम्मी ने मुझे बोला था देख के आई होगी फ्लावरिंग हुई है अच्छे से कि नहीं, तो चलो वो भी देखते हैं। और बोला था मुझे कि टैंक में पानी भी देख लियो कितना हुआ होगा बारिश से। ये वाला है हमारा बगीचा, ये वाला, यहाँ से जाना है अंदर को। तो फ्लावरिंग यहाँ पे तो हो गई है, मतलब मेरे हिसाब से तो होगी है, पता नहीं अब मम्मी को दिखाऊंगी इसमें स्प्रे की ज़रूरत है कि नहीं है। और इसमें भी थोड़ी टड़ा तो हो तो चुकी है, मिलना है।
हाय हाय, ये है मेरी लकड़ियाँ और अब मैं चली हूँ घर को। और मैं गुच्छिया ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिली, इसलिए अपनी आंखों को ज़्यादा कष्ट ना देते हुए मैं चुपचाप घर जाऊँगी। अब हम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट टाइम मम्मी के साथ ही आएंगे और उनको मिलती है गुच्छियाँ, तब उनको ही बोलेंगे ढूंढने के लिए। फिर मैं बोलूँगी मैं कर लेती हूँ काम, आप बस गुच्छिया ढूँढो जो हम एक सब्जी खा सके गुच्छी की। वो रहा दोस्तों अब हमारा घर सामने। अरे घर के आगे ही मुझे ना थोड़ा सा घास भी दिखाई दिया, ये देखो कितना लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको निकालते हैं थोड़ा थोड़ा गाय के लिए, गाय खुश हो जाएगी कि शुरुआत हुई हरे घास की। शुरुआत हो गई। घास तो बतेरा है हमारे, बस गाय दूध नहीं देने वाली है अभी, क्योंकि वो अगले महीने से देगी। मुझे लगा था कि मैं भूल गई हूँ घास काटना, पर थोड़ा थोड़ा याद है। तो गाइज घास तो हमारे बहुत होता है, मतलब यहीं पे ही भी इतना लग जाता है ना, इतना आगे आगे, और बाकी ऐसे भी बहुत होता है। पर हमारी गाय के ना अगले महीने बच्चा होने वाला है, तो दूध नहीं देती अभी वो, इसलिए जो दूसरे जहाँ पे मैं अभी गई थी ना, उस बगीचे का घास भी हमने दिया हुआ है किसी और को काटने के लिए। हमारे लिए तो यहीं आगे आगे ही बहुत हो जाता है। अगले महीने से खिलाएंगे गाय को हरा हरा घास, अभी तो हम काटते ही नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत बीच बीच में। मम्मी अपनी ड्यूटी में चले जा चुके हैं चूल्हा जलाने। मम्मी को ठंड लगती है। मैं इस व्लॉग को ख़त्म कर ही रही हूँ, मतलब इतने दिन हो चुके हैं ना मुझे इस व्लॉग को कंटिन्यू करते 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 करते, तो आज ये जैसा भी होगा, बस जितना भी होगा, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो और देख लो इसको। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।